एक्ट्रेस पूजा गौर इन दिनों अपने शो मन की आवाज प्रतिज्ञा के नए सीजन में वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फैंस भी पूजा को प्रतिज्ञा के रोल में देखने के लिए शो का इंतजार कर रहे हैं। खुद पूजा भी सालों बाद टीवी पर वापसी करके काफी खुश भी हैं। बेशक पूजा को अपने इस पॉपुलर शो में प्यार नसीब हो पाया हो, लेकिन असल जिंदगी में पूजा का प्यार अधूरा ही रह गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा गौर एक्टर राज सिंह अरोड़ा के साथ 10 साल तक रिलेशनशिप में रही थीं, लेकिन इतने लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी पूजा को सच्चा प्यार नसीब नहीं हो सका और उन्होंने साल 2020 के अंत में ब्रेकअप कर लिया था। इस 10 साल के रिश्ते के टूटने से पूजा काफी बिखर गई थी, जिनकी गवाही उनके वो इंस्टा पोस्ट भी देते हैं जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के इस दुखद पल को बयां किया था। इस बात की जानकारी पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2020 में काफी बदलाव देखने को मिले, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। अपने पोस्ट में पूजा ने लिखा, पिछले कुछ महीनों से मेरे और राज के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी। मुश्किल फैसले लेने में वक्त लगता है और इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने से पहले वक्त लेना चाहती थी। राज और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। पूजा ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा था कि वो और राज हमेशा एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे। आपको बता दें कि पूजा और राज लंबे वक्त तक लिव इन में रहे थे और दोनों के ब्रेकअप की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। हालांकि अब पूजा राज के साथ बिताई उन तमाम यादों को भूलकर आगे बढ़ चुकी है और प्रतिज्ञा के नए सीजन में छाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पूजा गौर का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उन्होंने एजी स्कूल अहमदाबाद से प्राथमिक शिक्षा ली और अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। आपको बता दें कि पूजा को बचपन से ही ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का काफी शौक रहा है। अगर बात करें पूजा के एक्टिंग डेब्यू की, तो उन्होंने टीवी पर अपनी शुरुआत 2009 में कितनी मोहब्बत है से की थी, जिसमें उन्होंने पूर्वी का किरदार निभाया था। इसके बाद पूजा इसी साल टीवी शो कोई आने को है में भी सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी, लेकिन पूजा की किस्मत ने तब पलटी मारी जब उनके हाथ साल 2009 में ही शो लगा मन की आवाज प्रतिज्ञा। इस शो में उन्होंने मेल लीड निभाया था। ये शो इतना पसंद किया गया कि आज तक पूजा को लोग प्रतिज्ञा के नाम से ही जानते हैं। इस शो के बाद पूजा कई और शोज में भी नजर आई, जिसमें एक थी नायक, ये है आज की जिंदगी खट्टी मीठी, एक नई उम्मीद रोशनी जैसे कई शोज शामिल हैं। इसके अलावा पूजा ने कई पॉपुलर शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। आपको बता दें कि पूजा ने साल 2015 में टीवी से ब्रेक लेकर फिल्मों का रुख किया था। पूजा साल 2018 में अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ में सारा अली खान की बहन का किरदार निभाती नजर आई थी। फिल्म में पूजा के किरदार को काफी पसंद भी किया गया था और खूब तारीफें बटोरी थी, लेकिन इसके बाद पूजा के हाथ कोई खास ऑफर नहीं लगे। हालांकि इस दौरान पूजा कई वेब फिल्मों में भी नजर आई, जिसमें द वर्डेड स्टेट वर्सेस नानावती, श्रीकांत, बशीर शामिल हैं, लेकिन इन फिल्मों से भी पूजा को कोई खास पहचान नहीं मिली। और अब लंबे वक्त के बाद पूजा एक बार फिर से अपने हिट शो के ही सीक्वल में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके अपोजिट एक्टर अरहान बेहल ही नजर आएंगे।